गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रितिका राठौर फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। आई विल टीच यू सब्जेक्ट मैथ्स फॉर क्लास सेकेंड। कोविड की वजह से बच्चों आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। वीडियोस में जो भी आपको कराया जाएगा वो आपको बुक और कॉपी में करना है। कॉपी में आपको डेली वर्क करना है, जो आपको बोला जाए कॉपी में राइट डाउन करना है, जो आपको बोला जाए वो बुक में राइट डाउन करना है। हाफ ईयरली तक का कोर्स अपना चैप्टर 7 हो चुका था, अब अपन चैप्टर 8 करेंगे। उसका नाम है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स क्या होता है? मेजरमेंट मतलब नापना कि इस चीज का कितना मेजर है, कितनी कितनी हाइट है, कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, ये सब किस में आते हैं? मेजरमेंट में आते हैं। पहले अपन को बता रखा है, फर्स्ट पेज पे आपको एक पेंसिल की फोटो दे रखी है, ऊपर लिख रखा है लेंथ। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, चेक एंड राइट द फॉलोइंग लेंथ। अब इसमें क्या करना है, लेंथ एक पेंसिल की फोटो दे रखी है, उसमें आपको उसकी लेंथ बतानी है कि पेंसिल कितनी लंबी है। तो इसमें कैसे बता रखा है, देखो नीचे इरेजर रख रखे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 इरेजर की, अगर 6 इरेजर रखे तब जाके ये पूरी पेंसिल जितनी बनता है। तो इस पेंसिल की लेंथ कितनी हो गई, 6 इरेजर्स। तो नीचे लाइन क्या लिख रखी है, द लेंथ ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ 6 इरेजर। अगर 6 इरेजर को रखा जाए और एक इस पेंसिल को रखा जाए तो दोनों की लेंथ क्या है, सेम। ओके, क्या है, सेम। फिर नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं आपके कुछ, वो क्वेश्चन आप खुद ही करना क्योंकि ये क्वेश्चंस इरेजर्स देके, इरेजर जैसे कि इसमें कैसे था, पेंसिल को इरेजर्स रख के मेजर किया था, उसमें इसमें आपको अलग अलग चीजें के नाम दे रखे हैं, नेम्स दे रखे हैं, उसमें आपको उनसे मेजर करके उनके वो लिखने हैं नंबर्स। फर्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ बुक। यहाँ पर ये जैसी बुक है, आपके पास भी कोई बुक होगी, उसकी आपको लेंथ लिखनी है कि उतनी कितने शार्पनर की लेंथ से वो है। एक बुक होगी जैसे कि ये बुक है, तो इधर शार्पनर रखा, 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 कितने शार्पनर आए वो इधर लिखना है। उसकी विड्थ बतानी है, कितने शार्पनर रखे वो विड्थ हो गई। ये सब आपको घर पे ट्राई करके खुद को ही लिखना है। ओके, ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपको लेंथ ऑफ टेबल टॉप, कोई टेबल होगी आपके घर में, उसकी आपको टेबल टॉप की शार्पनर रख के लेंथ बतानी है और विड्थ भी बतानी है। ओके, किससे, शार्पनर और इरेजर से। ऑफ सीटिंग ईटिंग योर ईटिंग टॉप्स विड्थ ऑफ सीटिंग टॉप्स। अब ईटिंग टॉप्स की और सीटिंग टॉप्स की शार्पनर से आपको लेंथ मेजर करनी है इस चेयर की और यहां पर राइट डाउन करना है। ये सब क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं। नीचे है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। अब इसमें क्या है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब बिना स्टैंडर्ड कोई यूनिट नहीं है, और उसको कैसे नापा जाए, कैसे मेजर किया जाए, तो कैसे होगा, पेस, मतलब कितने कदम, अपन कदम से भी नापते हैं ना कि ये इतने कदम की मेजरमेंट है, या फिर इतने फुट स्पैन की है, इतने पैर की है, या फिर अपने हाथों से किसी चीज को नापा जाता है कि हाँ ये इतने हैंड स्पैन है। तो ये सब चीजें किसमें आएगी, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। अब नीचे आपको कुछ फोटोज दे रखी है, उनको आपको, वो फोटोज आपको रियल में जो चीजें आपके घर पे हो प्रोवाइड, उसके ऊपर आपको अपने हाथों से अपने पैरों से उन सब चीजों को लेंथ मेजर करनी है और कितने लेंथ के नंबर आए वो आपको यहाँ पर राइट डाउन करने हैं। फर्स्ट क्या है, आपको एक कंप्यूटर या फिर एक टीवी की फोटो दे रखी है, तो आपको उसे किसको करना है, हाथों से मेजर करना है, और वो जितने हाथ से वो मेजर होगा वो उतना इधर लिखना है। इधर फूड स्पैन से एक कारपेट को, कार को एक पैसे से कितने कदम, कदमों से, और इधर एक बकेट को हैंड से, हाथों से, और इधर एक रूम को पैसे से, मतलब कदमों से, और इधर एक बेड को, बेड की जो ये लेंथ है ये वाली, ये पैरों से। ओके, ये सब आपको घर पे ही ट्राई करके और
इसमें आंसर फिल करने हैं। फिर है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, ऊपर क्या थी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, अब इधर क्या है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। स्टैंडर्ड यूनिट में क्या होता है जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर, ये सब क्या होती है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। मेजर यूनिट विच द वाइडली यूज इज कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट, जो मेजर किसी यूनिट में मेजर की जाती है उसको क्या बोला जाता है स्टैंडर्ड यूनिट। अब इसमें पहले एक स्केल की फोटो दे रखी है, ओके इसमें क्या है इसमें आपको नीचे क्या लिख रखा है, जब एक मीटर होता है उसके अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, ओके तो ये याद रखना 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज अबाउट द विड्थ ऑफ योर इंडेक्स फिंगर, सेंटीमीटर इज यूज्ड फॉर मेजर स्मॉल थिंग्स। अब इसमें क्या बताया गया है कि इधर देखो एक फोटो दे रखी है अपनी अंगुली की, कौन सी अंगुली इंडेक्स फिंगर को, उसकी उसको मेजर किया तो इधर आंसर आया 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कितना हुआ इतना हुआ 1 सेंटीमीटर, तो अपनी इंडेक्स फिंगर कितने सेंटीमीटर की है 1 सेंटीमीटर की है, ओके तो अपनी इंडेक्स फिंगर की अगर लेंथ को मेजर किया तो आंसर आया 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कब यूज होता है, कभी किसी छोटी चीज को मेजर करने में, जैसे कि किसी छोटे पीस ऑफ क्लोथ को, छोटी चीजों को, उनको सबको मेजर करेंगे तो किस में मेजर होगी सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो सेंटीमीटर को सी और एम। फिर है योर आर्म स्पैन इज अबाउट 1 मीटर लॉन्ग, मीटर इज यूज टू मेजर लॉन्गर लेंथ। अब इसने क्या बताया है, इसने यहां से लेके यहां तक लेंथ मेजर की है कि अपने एक आर्म से लेके दूसरे आर्म तक, इस फिंगर से लेके इस फिंगर को मेजर करने के लिए उसने कितने मीटर लिए, उसने उसमें मेजर कितने में किया 1 मीटर में, तो बड़ी चीज हो गई। तो ये याद रखना लॉन्गर लेंथ को मेजर करने के लिए क्या यूज होता है मीटर, और स्मॉलर थिंग को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर। शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर इज, शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है सेंटीमीटर सी और एम, और लॉन्ग में एम, तो ये किसकी होती है शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ सेंटीमीटर एंड मीटर। फिर उसके बाद है, अब नीचे आपको क्या क्वेश्चन दे रखा है, मीनिंग ऑफ लेंथ, लेंथ का मतलब क्या होता है। मटेरियल क्या दे रखा है, 6 पीसेस ऑफ रिबन 1 मीटर ऑफ ईच, 6 पीसेस है एक रिबन के और हर रिबन कितने मीटर का है 1 मीटर का है। अब इसमें क्या कर रखा है कि अपनी क्लास को डिवाइड करो 2 ग्रुप्स के अंदर, अपनी क्लास को डिवाइड करो 2 ग्रुप्स के अंदर, पहले ग्रुप को ईच ग्रुप रिबन ऑफ लेंथ इज 1 मीटर। अब हर ग्रुप के पास कितने मीटर का लेंथ का रिबन है 1 मीटर का लेंथ का है। अब हर स्टूडेंट को बोला गया है कि उस रिबन को कंपेयर करो अपने हैंड स्पैन, मतलब हाथों से मेजर करो, और सबको पूछो कि सबका आंसर सेम है या नहीं है। फिर अगर आंसर नो आएगा तो उनको एक्सप्लेन करना है कि आंसर नो क्यों आया, क्योंकि हैंड स्पिन से मेजर किया हुआ सबका आंसर सेम नहीं आता है, बल्कि उसको स्टैंडर्ड मेथड से मेजर करने पे आंसर सेम आएगा, ओके ये इसका आंसर है, ये ऐसे मेजर किया जाता है हैंड स्पिन से, ओके अब नेक्स्ट आपका है रीड द मेजरमेंट एंड राइट हाउ लॉन्ग आर यू फॉलोइंग थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया है कि इसमें अपन को क्या करना है, मेजरमेंट देखना है कि जो जो अपन को थिंग्स दे रखी है, मतलब चीजें दे रखी है, उसमें कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, वो कितने मेजरमेंट या उसकी लेंथ क्या है। ऊपर एक आपको स्केल दे रखी है, ऊपर आपको एक स्केल है ये, ओके और नीचे आपके पास कुछ चीजें हैं और उनकी क्या करनी है अपन को मेजरमेंट लिखनी है कि वो कितने मेजरमेंट की है, वो कितने लेंथ की है, ठीक है।
तो कैसे लिखोगे आप? जैसे कि फर्स्ट आपके पास क्या है? एक चॉकलेट। क्या आपके पास? एक चॉकलेट। चॉकलेट की लेंथ कितनी हो रही है? जीरो से किस पे आ रही है ये? फोर पे। तो इधर आंसर क्या आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। इधर क्या आंसर आ जाएगा? ये पेंसिल है। पेंसिल की क्या लेंथ है? किस पे आ रही है वो? 7 पे। तो इधर आ जाएगा आंसर 7। आपको भी बुक में ही करना है, जैसे मैं बुक में करवा रही हूँ बच्चों, आपको भी बुक में ही लिखना है। ओके, नेक्स्ट आपको क्या दे रखी है? चॉकलेट की। नेक्स्ट किसकी है? चॉकलेट की। चॉकलेट की किस पे आ रही है? 10 पे। तो इस पे आंसर क्या लिखोगे? 10। यहां पर क्या लिखोगे आप? 10। नेक्स्ट आपके पास क्या है? एक कॉम है। ओके, उसकी क्या रखी है? 14। तो उधर क्या लिखोगे? 14। ये दोनों आप अपने आप करोगे। इधर आ जाएगा 14, इधर आ जाएगा 10। ये खुद को राइट डाउन करना है। मेजर एंड राइट द लेंथ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इन मीटर। यहां पर क्या करना है? अपन को इनको लेंथ से मेजर करना है और उनको आंसर में लिखना है कि कितने मीटर बड़ा इसकी लेंथ क्या है। तो ये क्वेश्चन छोड़ दो। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ आप। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, ये कैसे की जाते हैं? पहला है ऐड। इसमें क्या करना है? सिंपल सा आपको ऐड करना है। अभी मैं आपको करवा रही हूँ जो सिर्फ बुक में करना है। ओके, मैं जैसे बुक में करवा रही हूँ वो आपको क्या करना है? बुक में करना है। ओके, अभी जितना भी वर्क करवाया है मैंने आपको, ऊपर जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं वो सारे बुक के हैं। कॉपी में कुछ भी राइट डाउन नहीं करना है आपको, सिर्फ बुक में करना है। अभी इसमें सिंपल क्या है? 2 प्लस 6। तो 2 प्लस 6 8, 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 8, 7 प्लस 2 क्या आएगा आंसर? 9। 9 प्लस 2, 9 प्लस 3 आंसर आएगा 9, 10, 11, 12। तो आंसर आ जाएगा 1, 2। तो 129 मीटर 88 सेंटीमीटर। आगे वाली डिजिट किसमें आएगी? मीटर में। और पीछे वाली डिजिट किसमें आएगी? सेंटीमीटर में। सिंपल क्या किया अपन ने? प्लस किया। फिर नेक्स्ट है आपका 3 प्लस 8, 8, 9, 10, 11। तो इधर आंसर आ जाएगा 11, 1 कैरी ऊपर। 8 प्लस 2, 8, 9, 10, 11, 1 कैरी इधर। 8 प्लस 1, 9। 1 प्लस 3, 4। 49 मीटर 11 सेंटीमीटर। अब हमेशा याद रखना, पीछे वाली डिजिट होगी सेंटीमीटर में, आगे वाली डिजिट होगी मीटर में। आपको ये बॉक्स नहीं बनाने हैं, ना कि आपको ऐसे डैश करने हैं। आपको सिर्फ 49 और 11 लिखना है और ऊपर कैरीज लगानी है। इसका आंसर था 49 11। नेक्स्ट है 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 0। 3 प्लस 1, 4। 3 प्लस 5, 8। 2 प्लस 2, 4। 48 मीटर 40 सेंटीमीटर। अब इसमें 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 0। इसमें अपन को नेक्स्ट नीचे 0 प्लस 0 0 लिखोगे यहाँ पे। 3 प्लस 1, 4। 2 प्लस 5, 5, 6, 7, 7। 6 प्लस 2, 8। ओके,
इसमें भी सिंपल, आपको 4 + 7 करना है, ये वाला और ये वाला आप खुद करोगे, और ये वाला ये आपका होमवर्क। सिंपल प्लस करना है और आंसर लिखना है, सिंपल प्लस करना है और आंसर लिखना है, सिंपल प्लस करना है और आंसर राइट डाउन करना है। ओके और ये क्वेश्चंस जो आपको मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं, ये आपके सिर्फ और सिर्फ बुक के लिए है। ओके किसके लिए है? बुक में, सिर्फ आपको बुक में करना है, कॉपी में कुछ भी नहीं करना है अभी। 1, E, F, G और H ये आपका होमवर्क। का सबट्रैक्शन में क्या करना है, ऊपर जैसे अपन ने प्लस किया था उसमें अपन को, इसमें अपन को माइनस करना है। 2 में से 6 जाएगा नहीं, तो ये 1 इसको कैरी देगा, तो ये हो जाएगा 12। 12 में से 6 गया तो आंसर आया 6। इधर क्या था, 0, ये 8 इसको 1 कैरी देगा, ये हो जाएगा 10। 10 में से 7 गया, 8, 9, 10 3 बचा। फिर इधर क्या था, 8 का क्या हो गया, 7, 7 में से 3 गया, क्या बचा, 7 चला गया, 6 भी चला गया, 5 भी चला गया, तो आंसर आया 4। 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया, तो आंसर क्या आया, 7 भी गया और 6 भी गया, आंसर आया 5। 54, 36 सेंटीमीटर। इसमें क्या है, 8 में से 3 गया, 8 चला गया, 7 चला गया, 6 चला गया, 5 आंसर, 8 में से 2 चला गया, आंसर आया 6। 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो ये 3 इसको कैरी देगा, ये हो जाएगा 3 का हो जाएगा, इधर 2, इधर जाएगा 10। 10 में से 5 गया, आंसर आया 5। 2 में से 3, 1 गया, आंसर आया 1। 0 में से 0 गया, आंसर आया 0। 1 में से 3 जाएगा नहीं, क्योंकि 1 में से 3 नहीं जा सकता है, 1 छोटा नंबर है, तो ये 5 इसको कैरी देगा, ये हो जाएगा 11। 11 में से 3 गया, 11 गया, 10 गया, 9 गया, आंसर आया 8। इधर 5 का हो गया 4, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 2 में से 2 गया, 0। ओके इसमें क्या करना है, 0 में से 1 चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो ये 5 इसको कैरी देगा, 5 इसको कैरी देगा, तो ये हो जाएगा 10 और ये बन जाएगा 4। 10 में से 1 गया, आंसर आया 9। ओके और 4 में से 4 गया, आंसर आएगा 0। ओके इधर आएगा 7 में से 3, 7 में से 3 जाएगा, तो आंसर आएगा 7 में से 3 गया, 7 गया, 6 गया एंड 5 भी गया, तो आंसर आया 4। इधर आंसर आ जाएगा आपका 4 और फिर इधर आ जाएगा 9 में से 4 गया, 9 में से 4 जाएगा, 9 गया, 8 गया, 7 गया एंड 6 गया, तो आंसर आया 5। ये सिंपल माइनस करना है आपको और इधर वाले भी आप सारे खुद करोगे, पर टीम मैंने आपको सिंपल माइनस आते हैं, आपको सिंपल प्लस एंड माइनस है, ये सब आपको होमवर्क करना है। होमवर्क 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 सिंपल क्या है, माइनस करना है, ऊपर जैसे बताया वैसे ही नीचे करना है। नेक्स्ट आपके पेज नंबर पे क्या है, स्टेटमेंट सम्स, ये अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो आपको मैंने 4 माइनस एंड 4 प्लस आपको होमवर्क में दिए हैं, वो आपको बुक में ही राइट डाउन करना है, कॉपी में नहीं करना है अभी। कॉपी में कैसे करना है वो मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो की उसमें बता दूंगी। जो आपको वर्क मैंने आज करवाया है वो सिर्फ बुक के लिए है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।